अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं SRB न्यूज़ और मैं हूं नायला भट्टी। देखते हैं नारोवाल से राशिद अदरीस की रिपोर्ट। डायरेक्टर जनरल पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 नारोवाल इंजीनियर्स अदनान नवाज की जेरे निगरानी रेस्क्यू 1122 की जानब से ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक मनाया गया। 17 मई से रोड सेफ्टी के मुतालिक लोगों को आगाही का सिलसिला जारी है जो 23 मई को इख्तिताम पजीर होगा। इसी हवाले से रेस्क्यू 1122 नारोवाल सेंट्रल स्टेशन पर सेमिनार और वॉक का अहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में शहरियों, रेस्क्यू ऑफिसर्स, रेस्क्यू जवानों और टाइगर फोर्स के जवानों ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर अदनान नवाज ने शुरुआत से खताब करते हुए कहा, रेस्क्यू 1122 माशरे को महफूज बनाने के लिए हम वक्त कोशा हैं। रोड सेफ्टी के असूलों पर अमल करके हम रोड पर होने वाले ट्रैफिक हादसात में इंसानी जानों के ज़ाया होने को कम कर सकते हैं। मोटरसाइकिल सवार हेलमेट, साइड मिरर के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं।